चरणों में शीश नवाए, ये मात भवानी रक्षा करी, मंगल गीत सुनाए। सुमिरन करके शीश नवाए, देवी मोरे आए गए ना। सुमिरन करके शीश नवाए, देवी मोरे आए गए ना।
好，来。
सर्वप्रथम आए हुए जो दोनों ओर के परिवार है उन सभी का तहे दिल से अभिनंदन स्वागत करते हैं। साथ में हमारे मामा श्री विद्वान पंडित है, उनको भी मैं चरणों में प्रणाम करता हूँ। और इधर मेरी फुआ सास है जो गाना गा रही, आपको भी नमन। बड़े सौभाग्य की बात होती है जब हम एक दूसरे से ऐसे समय में मिलते हैं, विवाह इत्यादि का कार्य होता है और उसमें प्रथम जो है वो तिलक संस्कार होता है जो आज हम करने के लिए और यहाँ पर उपस्थित है दोनों उनके परिवार है। तो मैं आग्रह करता हूँ कि जो कन्या के ओर से जो कन्या भराता है वो आ जाए और जो दूल्हे राजा है वर वो भी आ जाए पूजा के वेदी तले, ताकि जो आज का तिलक संस्कार है उसको प्रारंभ करते। बेटा बेटा लाओ जग मंडप में तुझको बाभन पुनातु हाथ धो लेंगे। ओम हरि ओम हस्तो प्रक्षालयामि जल याचमनीयम समर्पयामि राइट हैंड में जल पी लेंगे। ओम हरि ओम की सेवाये नमः, एक बार फिर से ओम माधवाये नमः, एक बार फिर से ओम नमो नारायणाय नमः, हाथ धो लेंगे। ओम गोविंदाय च्युताय ऋषिकेशाय नमः, हस्तोपक्षालम्बनियोग आचमनीयम जलम समर्पयामि लेफ्ट हैंड में पानी ले लेंगे। राइट हैंड का जो रिंग फिंगर है लेफ्ट में, राइट हैंड का जो रिंग फिंगर है वो पानी में डुबा कर पहले मुख में छुआएंगे। ओम वांगमीयस्यायस्तु, फिर डुबा कर नाक में राइट तब लेफ्ट। ओम नसोरमी प्राणवस्तु, फिर आँख में। ओम अक्षनोरमी चचरवस्तु, फिर कान में। ओम कन्योरमी श्रोत्रमस्तु, फिर कंधे पे। ओम बाहुरमी बलमस्तु, फिर हृदय में। ओम हृदय में शांतिरस्तु, फिर नाठी में। ओम ओजरमी ओजरवस्तु, जो बचे उसको ऊपर डालेंगे। अरिष्टानी लिंगवाणी तनुस्तनवामी सह संतु। ओम रतेना दीक्षापनी दीक्षापनी दक्षिणा दक्षिणाया श्रद्धा सत्या पयत हेर्वान्धवली राजा दान महाबलवती प्रति वदन वीरक्षे माचल माचल रक्षा सुतम सुष्ट प्रतिगृहताम। ओम हरि ओम पवित्रो अस्तो वैष्णवे सवितुर्वा परशुवा उत पुण्यमाचंद्र पावित्र रश्मि भी कुशा पवित्री धारयामि। गोड़ के नीचे कुश रख लेंगे। कुशासन ग्रहणम सुश्रेष्ठम प्रतिगृहताम। ओम हरि ओम जल छिड़ेंगे तीन बार। पृथ्वी त्वया धृता लोका त्वं विष्णुना त्वं च धरायमा देवी पवित्रम करु चास्मिनम् आचमनीयम सुश्रेष्ठम प्रतिगृहताम। ओम शुभम करोति कल्याणम मार्ग योगम सुख संपदा। तीन बार छोटा मार दे। आचमनीयम जलम सर्वश्रेष्ठम प्रतिगृहतामम नमस्तुभ्यां नमो नमः स्वाहा। अग्निर्वर्चय ज्योतिर्वर्चय स्वाहा, सूर्यर्वर्चय ज्योतिर्वर्चय स्वाहा। चंदन के टीका लगा दो।
ओम श्री ज्योतिर्माताय नमस्तुभ्यं नमः इति चंदनम तिलकम अर्पयामि। हाथ जोड़ के नमस्कार करेंगे। दीपो ज्योति ब्रह्मा दीपो ज्योतिर जनार्दना दीपो हरतु मय पापम दीप ज्योतिर नमस्तुते शुभम करोतु कल्याणम मार्ग योगम सुख संपदा ममे बुद्धि प्रकाशम दीप ज्योतिर नमस्तुते। गणनंद वाह गणपति गंगा वामहे प्रियनंद वाह प्रियपति गंगा वामहे निधिनंद वनिधिपति गंगा वामहे वसुमं याहम यानी गर्भधमत्वजसि गर्भधम्मा ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्सर्वाः स्वस्ति न पूका विश्ववेदाः स्वस्ति न यस्तारिक्षो वरिष्ठनेमी स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधारयतुम् पृष्ठदशवामारुतः प्रसन्नी मातरम शुभम यवनो विद्यते सु जगमाया अग्निर्जिह्वामनवासु चक्षसु विश्वो नो देवाया वसागमन्निया भद्रम कन्यर्भिशृणुयां देवा भद्रम पश्यो वीर्याजत्रा स्थैरंगी तुष्टुवाग्भुं स्वस्तनु वीरव्यासेमहितं यदायुवम् अतमिन्नु शारदो यन्ति देवा यतनश्चक्र जरासं तन्नो नमः पुत्र सूयक पित्रो भवन्ति मानो मदया ऋस्तायुर्गन्तो यदि तिर्दौरतिरन्तरिक्षति तर्माता स पिता सा पुत्रा विश्वे देव यदि तिर्पञ्च जन अधीतिर्जातमदीतिर् जनित्वं माधवौ शान्ति अन्तरिक्षगुं शान्ति पृथिवी शान्तिराप शान्तिरुषधया शान्तिर्वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुं शान्ति शान्तिरेव शान्ति श्यामा शान्तिरेधि। ॐ यतो यताः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सम्ना कुरु प्रजाभयम् आभयं पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणायभ्यां नमः। उमामहेश्वरायभ्यां नमः। सचिद्रांद्राभ्यां ओं सिद्धि बुद्धि सहितार्थं श्रीमन्महागणाधिपतये नमस्तुते नमो नमः। थोड़ा जल ले लेंगे, आप भी ले लेंगे। पहले संकल्प करेंगे ओम हरिओम तत्सत हरिओम तत्सत विष्णुर 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 श्रीमद्भागवत महापुराणस्य विष्णुरज्ञा प्रवर्तमानस्य श्री ब्रह्मनित्यो प्रहलादे श्री सुत वराहकल्पे वैवस्वत मन्वंतर अष्टाविंशति तमो कलियुगे काली प्रथम चरणे प्रशांत महासागर तटे भारतखंडे भूलोके निर्जलद्वीपे रेवा खंडे निर्जलद्वीपे ओकलैंड महानगरे अमुक मंगल निवासी स्थान से मनुरेवा उप नगरे 2076 वर्ष विक्रम वदे वैद्यवातरे वर्तमानो विरोधी कुत नाम परिधवी नाम समस्त्रे महामंगले प्रदे मासातमो मासानामस्य चैत्र मासानामस्य अमुक पक्षे शुक्ल पक्षे मुक्तिथौ चतुर्दश्याम तिथौ अमुक वारसे गुरुवार वासरे मध्यान कालस्य अमुक योग अमुक कर्णस्य अमुक नक्षत्र हस्ता नक्षत्रे व्याकदा योग से वणिज्य कर्णस्य अमुक राशि स्थितो कन्या राशि स्थितो राशि राशि स्वामी सूर्यो सोम मंगल बुध गुरु शुक्ल शनि राहु केतु बुध स्थितो अमुक सूर्य स्थितो उत्तरायणम सूर्य स्थितो मंगल यजमानस नामस्य अमुक वर नामस्य अपना पूरा नाम ले लेंगे हम गोदी शर्मा नामस्य ब्राह्मण तिवारी गुरुमुखे ब्राह्मण द्वारा धर्माद काम आदि चालन दौरी गर्भवती कृष्ण ग्रहादि से तारतम तीर्थ संस्कार हेतु मंगल पूजन च यहाँ छोड़ दो करम करीशे। जल ले लो तीन बार सुपारी के ऊपर गिरा दो। ओम हरिओम गजाननम भूत गणाधिशैवितम कपित जम्बूफल चारु भक्षणम उमा सुतम देवम सूक विनाशकारकम तीन बार उधर नमामि विदनेश्वरः पाद पंकजम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते गणेशम्बिकाभ्याम नमः तीन बार यहाँ तीन बार वार गंगा जल याचमनीयम सुरश्रेष्ठम प्रतिगृहताम ओम हरिओम कामधेनु संहरिओम घृतम घृत पावना वासा पावना पीबदंतरिक्षस्य हविषी स्वाहिते घृतम स्नानं सुरश्रेष्ठम प्रतिगृहतामं थोड़ा सा एक इंद्रोग्धि ओम आपाग्वं रसमुदस्य गुं सूर्यो संदहितं नमः इति सक्रम स्नानं सुरश्रेष्ठम प्रतिगृहतामं श्री लंबोधराय भालचंद्रमाय गौरी मात कुलदेवाय गणपति नीवाय भ्यो नमः इति
சக்கரம் சொல் சிரேஷ்டம் பதிகிரே தாமம் திருதம் ஸ்நானம் சொல் சிரேஷ்டம் சமர்ப்பயாமி நமஸ்து பியாம் நமோ நமம் பாணிச்சோடி ஓம் ஹரி ஓம் கங்கை சாயமுனே சேவா கோதாவரி நர்மதே சிந்து காவேரி ஜலயாஸ்மினம் சந்நிதிம் கருண சுதோதகம் ஜலம் யாச்மனியம் சுரு சிரேஷ்டம் பிரதிகிரே தாமம் நமஸ்து பியாம் நமோ நமம் ஓம் ஹரி ஓம் தஸ்மாத் அக்யா சர்வ ஹேது சிஷ்ட சமானி ஜிகரே சந்தா குன்சி ஜிகரே தஸ்மா துஷ்ட தஜியத வல்மஸ்து சந்தனவாதோ ஸ்ரீ கண்ணி சந்தனம் நிர்வியோக தாரணம் சுமனோ அன்னம் விலேபனம் ஹல்தி சுசிந்து சந்தனம் பிரதிகிரே தாமம் ஸ்ரீ லம்போதராய பால் சந்திரமாய் கஜானனாய நமோ நமம் ஓம் ஹரி ஓம் சந்திரன் வாரம் அவீரம் ஜெய குலாலம் ஜெய் வா சந்தனம் மேமே ச அவரினால் ஹிதே திவ்ய சாந்தி பிரக்ஷமே நமோ நமம் குங்கும குரியாய தீலே பயாமி கௌரி கண்பதி நேவாயபியோ நமஸ்துதே நமோ நமம் தோணிக்கு ஹரி ஓம் அக்ஷதேஷ்ஜெய் குங்குமா சிசோபிதா மய நிவேதிதாய பகதாய கிரானம் பிரமீஸ்வராய நமோ நமம் மால்யா தீவி சுகந்தானி மந்தாரமியே ஏகேபியோ வே பிரபு மாயா தீர்த்தினி பூஜா புஷ்பினி பிரதிகிரே தாமம் புஷ்பம் சமர்ப்பயாமி காண்டாத் காண்டாத் துதி துர்காசி கேட்பதல்ல சாப்ரோஹந்தே புருஸ்புருசி ஸ்பரி யவனா துர்வே பிரதேனு சஸ்திரேனம் சதேனம் ச துருவம் சமர்ப்பயாமி துர்வாதலம் சுஸ்ரேஷ்டம் பிரதிகிரே தாமம் ஸ்ரீ கணபதி கௌரி சீஷ்காயம்யோ நமஸ்துபியாம் நமோ நமம் தைலானி ச சுகந்தானி திவ்யானி விவிதானி ச மயா தத்தானி லேபார்த்தம் த்ரானம் பரமேஸ்வராய சுகந்தி தைலினம் சுஸ்ரேஷ்டம் பிரதிகிரே தாமம் ஸ்ரீ கணபதி தீவாய நமஸ்துபியாம் நமோ நமம் மாதா ஜகதம்பாய நமோ நமம் இதி யத்ரம் சுஸ்ரேஷ்டம் சமர்ப்பயாமி நமஸ்துபியாம் நமோ நமம் ஓம் ஹரி ஓம் நரஸ்யாமி ஓம் ஹரி ஓம் நமோ தேவியை மகாதேவியை சிவாய சந்ததம் நம நமோ பிராகர்த்தை பத்ராய நியதா பிராணதா சந்தம் கௌரி சீஷ்காய நமஸ்துபியாம் தீம் பார்க்கும் ஏதோ தூபம் நரஸ்யாமி நமஸ்துபியாம் நமோ நமம் ஓம் ஹரி ஓம் சந்திரமா மனசோ ஜாதோ சூரியோ அஜாயதானூத்தாதிஷ்பிராணச்சுகாதயனேயதாச்சுதிர்தரஸ்யாமி தூபம் சமர்ப்பயாமி ஓம் ஸ்ரீகங்கணபதே நமஸ்துபியாம் நமோ நமம் இதி தூபம் சமர்ப்பயாமி நமோ நமாமி சித்தார்த்தாயாசுவாசுரே பூஜிதே ஸ்வல்பினஹஸ்தஸ்மை கணாதிபதே நமோ நமஹம் போலிய கணேச பகவானே கி கௌரி மையா கி ஜெய் சாவல் லே லெங்கி தோடா தோடா ஓம் மானஸ்தோ கே தனயோ ஆயுகி மானா கோகோ மானோ அஸ்மி குரி நிகா மானோ விரானு நுந்திர பாமீனோ வதிர் விகமந்தா சதுமிதவா அவாமஹே கலஸ் கே பால் டாலெங்கே அஹவயாமி பூஜ்யாமி ஸ்ரீ கும்பதேவாயபியோ நமஸ்துபியாம் நமோ நமம் ஓம் பிரம்மசிரிசா அஷ்டநேத்ரம் சதுர்முகம் காயத்ரி சைதம் தேவரம்பனா லெஃப்ட் ஹேண்ட் நமோ நமம் கேசவம் புண்டரீகாட்சிமாதவம் மதுசூதனம் ருக்மணீசைதம் திவ்விஷ்ணுவாய சிம்சங்கரணம் துவாதசார்தம் திருலோச்சனம் ஜமயா சைதம் திவ்சம்பவாய ஸ்ரீ போலேநாதநாயபியோ நமோ நமம் ஸ்ரீ கும்பதேவாய தோடே தோடே கருக்கே டாலெங்கே ஓம் வருணாதி அவாஹிதா தேவதாபியோ நம ஓம் தஸ்திக்பால தேவதாபியோ நம ஓம் க்ஷேத்ரபால தேவதாபியோ நம ஓம் நட்சத்திரலோக தேவதாபியோ நம ஓம் இஷ்டதேவி தேவதாபியோ நம ஓம் குலதேவி தேவதாபியோ நம ஓம் கிராமதேவி தேவதாபியோ நம ஓம் ஸ்தான் தேவி தேவதாபியோ நம ஓம் சர்வேபியோ தேவபியோ புருஷாஹ மம பஞ்ச பல்லவி ஸ்தாபயாமி பூஜ்யாமி கும்பதேவாய நமஸ்துபியாம் நமோ நமம் டோராமே ஓம் சுஜாதோ ஜோதிஷர்மா வருதாமாய சதந்த ஸ்வாவசோ யக்னே விஸ்வரூபாக்வம் சுக்ரிதே விவாவசே இதி யகோபவீதம் தாரயாமி தீஞ்சாபே சந்தன் லகாய தோ ஆப் சிந்தூர் ஹல்தி லகாய தோ லோட்டாமே ஓம் ஸ்ரீ கண்ணி சந்தனம் திவ்யோகந்தாரணம் சுமனோஹன்னம் விலேபனம் சுசிரேஷ்டம் சந்தன் பிரதிகிரஹிதாமம் சந்தனம் லீபாயாமி நமஸ்துபியாம் நமோ ஹாத் லகாய தோ ஓம் யா ஃபலினிய ஆஃபலா ஆ புஷ்பயஸ்ச புஷ்பினி ப்ரஸ்பதி பிராசத் அஸ்த நோமன் துவம் குவம் வசா ஓம் ஸ்ரீ கும்பதேவாய நமஸ்துதய நமோ நமம் ஹாத் லகாவ்
ओम हरि ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समासिता त्वा मूर्तो ब्रह्म माध्यम अंगनाय स्मृति कुस्तुतो सागराय सर्वे सद्धि भूसुन्दरादि यजुर्वेद सामवेदोऽध्यावरणम् अंगेश्च सहितं स्वर्गकलशाप्तुं समासिता अत्र गायत्री सवित्री शांति पुष्टिकरी तथा अयन्तु देव पूजार्थ धूरिद्रक्षयिकरा कहा गंगे च यमुने च वा गोदावरी नर्मदे सिन्धु कावेरी जले आस्मिनं सन्निधिं ओम भूरभुवस्वाधवरी भुमनः पृथ्वी वह वरिमनाथस्य पृथ्वी देवा अग्निपुष्टिर्मनाद मन्नायघनायी अग्निदेवायभ्यो चंदन लगाए दो चारों दिशा में ओम हरिओम चत्तवारी शृंगात्रयो यस्या पदा देवशिरसो सप्ता हस्तासो वृषभे रुरवेति महोदेव मत्यन् आगुं विश्वेशः आहवयामि अग्निदेवायभ्यो मंगलभूया तिलकं नर्पयामि मंगलपुष्पाञ्जलि समर्पयामि श्री अग्निकुण्डायभ्यो नमस्तुतये नमो नमः। हाथ जोड़ के नमस्कार करेंगे। ओम स्वरदेवना हव्यावकम गव्यावकम तथा पित्राणा च नमस्तस्मै विष्णवे पावाकाथमने इति श्री अग्निदेवता भ्यो नमः। नमस्करोमि नमो नमः। समान प्रजया पशुभिन्न ब्रह्मवर्चसे नानाधीन समिधे स्वाहा इदम् अग्ने याद वेदस्य इदम् नाम मम एक ले लेंगे। ओम हरि ओम समिधं गिम्दु अस्यतागृत्या बोधयातिथिम नास्मीनम हव्याजुहातन्न स्वाहा एक ले लेंगे। ओम तन्तवा समिध विरंगी गृहृते नावरदायामसि वृश्चोचा यभिष्टाय स्वाहा इदम् अग्नि रिंगसे इदम् नाम मम लकड़ी लगने भाई आप रंग दो उदूतस्वायस्वाय अग्ने प्रति जागृहीष्टाया पूर्ते सुषिजुर्धमयजायास्मीन सदस्तिस्मीन विश्व देव यजमान सिद्धांत अग्निकुंडाय नमो नम जल से आचमन करेंगे। इधर पहले आदित्य अनु मनुष्या ओ सर ओम अनुमते अनुमनस्याः ओम सरस्वते अनुमनस्याः राउंड के लिए देव सविताः परसुवाय जपते महागाय दिव्यो गंधर्व केतपु केतान पुनातो वश्चरपति वश्चरना इस्वा दधातु। ये लिखा पहले अग्नि को एवं सारे देवताओं को नमन करेंगे। ओम हरि ओम सर्वदा सर्वकार्येषु तेषां मंगलम येषां हृदयस्थो भगवान मंगलाय तनो हरि तदेव लग्नम सुदीनम तदेव ताराबलम चंद्रबलम तदेव विद्याबलम देवबलम तदेव लक्ष्मीपते तिंघ्रीवं समारमे लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां प्राज्या येषां बिन्दी वर्षामो हृदयस्थो भगवान जनार्दनाय नमः। ओम हरि ओम गुरुर्ब्रह्मा मुरारी त्रिप्रांतकारी भानुशिशि भूमि सुतश्च वदश्च गुरु कृष्ण राहु केतु सर्वे गृह देवता नमस्करोमि नमो नमः। घी डालेंगे लौटार के एक ग्लास पानी में। ओम प्रजापतये स्वाहा इदम् प्रजापतये इदम् नाममम ओम इंद्राय स्वाहा इदम् इंद्राय इदम् नाममम ओम अग्नाय स्वाहा इदम् अग्नाय इदम् नाममम ओम सोमाय स्वाहा इदम् सोमाय इदम् नाममम ओम भू स्वाहा इदम् भुवाय इदम् नाममम ओम भुव स्वाहा इदम् वायवे इदम् नाममम ओम स्व स्वाहा इदम् सूर्याय इदम् नाममम ये ले लो बेटा। पांच बार छोड़ेंगे पानी में नहीं डालेंगे कभी डायरेक्ट। ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा ओम व्यानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा पांच बार ठीक है। आप ले लेंगे सामग्री ठीक है। आप थोड़ा नीचे हो जाओ बगल के आप भी थोड़ा नीचे स्पून
हरि ओम अग्निर ज्योतिर ज्योतिर अग्नाय स्वाहा ओम सूर्य ज्योतिर ज्योतिर सूर्याय स्वाहा ओम अग्निर्वर्च ज्योतिर्वर्च स्वाहा ओम सूर्यर्वर्च ज्योतिर्वर्च स्वाहा ओम भूरग्नाय प्राणाय स्वाहा ओम भूराभुवाय आपनाय स्वाहा ओम ईश्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा गणाधिपति पंचपाल लोक देवताभ्यो नमः स्वाहा इंद्र आदि दस दिक्पाल देवताभ्यो नमः स्वाहा ओम नमो क्षत्रपाल देवताभ्यो नमः स्वाहा ओम नक्षत्र लोक देवताभ्यो नमः स्वाहा ओम नमो ब्रह्मदेवाय स्वाहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा ओम नमः शिवाय स्वाहा एकदंताय विद्महे व्रततुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात् स्वाहा नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् स्वाहा तप्त पुरुषाय विद्महे सस्तचय महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रा प्रचोदयात् स्वाहा दशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामा प्रचोदयात् स्वाहा देवकी नंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्णा प्रचोदयात् स्वाहा वाग्देवी स्वाहा ओं अंजनी पुत्राय विद्महे वायुनंदनाय धीमहि तन्नो हनुमन्त प्रचोदयात् स्वाहा ओं श्री सूर्याय स्वाहा ओं चंद्राय स्वाहा ओं भौमाय स्वाहा ओं बुद्धाराय स्वाहा ओं श्री गुरुवे स्वाहा ओं शुक्राय स्वाहा ओं शनिश्चराय स्वाहा ओं राहुवे स्वाहा ओं केतुवे स्वाहा ओं त्र्यंबिकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वन्दनः मृत्युर्मोक्षमामृतात् स्वाहा ओं आपोर्ज्योतिरसो अमृतं ब्रह्म गुरुवा सर्वं स्वाहा ओं या मेधा देवगुणा पितरसस्तोपस्तोतया मम धाया मेधाया अग्ने मेधा विनम करो स्वाहा ओं विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव याद भद्रम धन्वासुव स्वाहा ओं स्वाहा पुरुषाय वेद गुं सर्वाय यद्भूतं यश्च भवयम् उतामृत स्वासानानि यदन्येना तिरुहति स्वाहा यथा वनस्याम हिमतो जयस्या पुरुषा पदवस्या विश्वाभूतानि त्रिपदम स्मितम दिवे स्वाहा ओम हरिओं तस्माद्ज्ञा सर्वहेतु समानि जिंगरे चंदा गुं से जिगरे तस्मादुष्ट दजयत स्वाहा ओम तम यज्ञानम रेचि प्रोक्षन्नम पुरुषम जात्मदेवै पूर्णागुं स्वाहा एक चम्मच जीरा वसोपावित्रमसि सत्यधारणम वसो पावित्रमसि सहस्त्रधारणम देवस्तवा सविता पुनातु वसो पवित्रेण सत्यधारणम सुपवाह कामधुच्य स्वाहा आचमन ये लोटाला पानी लेके ओम गंगे च यमुने च वा गोदावरी नर्मदे सिंधु कावेरी जलयास्मिनम सन्निधम आचमनीयम जलम समर्पयामि बोलिए जय नारायण भगवान की जय। आप ऐसे तीन बार करें फिर ऐसे विराजो दो मसी विराजो तीन बार दो मसी विराजो पदधाया पदधाया विराजो दोहा मसी पदधायो तीन बार करना ठीक। अब हाथ भगाएंगे ओम हरि ओम महानिंगेशा यमनेशी वागोदावरी नर्मदे सिंधु कावेरी जलयास्मिन् सन्निधिं कुर्मः इति हस्तोपक्षालयामि जलयाचमनीयं समर्पयामि। आप खड़ा हो जाओ इधर उदय नारायण देव है ये पकड़ लो राइट Yeah.
प्रहाकल वस्वत मनवंतराष्टाभिनसतीतम कलयुगे काली प्रथम चरणे प्रधान महासागर तटे भारत खंडे भूलोके खंडे न्यूजीलैंड दीपे ओकलैंड महानगरे अवक मंगल निवासी स्थान से मनोरेवा उपनगरे 2076 वर्ष से विक्रम वदे द्वातरे वर्तमानो विरोधि परिधवि नाम समस्त्रे महामंगले प्रदे महासातमो महासा नाम से चैत्र मास शुक्ल पक्ष चतुर्दश्याम तिथौ अमुक वार्षिक गुरुवार वासरे मध्यान्ह काल से कन्या भ्राता द्वारा एवं मंगल टीका फल आदि दानम आप उनको पकड़ेंगे आप सभी कार्य मंगल टीका एवं फल आदि वस्त्र आदि दानम सुबिन भात आदि दानम सुश्रेष्ठम ओम स्वस्ते ओम स्वस्ते नमो नमः ओम हरि ओम सकार खंड खादानि दधीचि घृतानि च भक्षाये भोजाये मिष्टानम अर्पयामि कन्या भ्राता द्वारा एवं मिष्टानम आप स्वीकार करें स्वीकरोमि नमो नमः एक एक फूल चावल ले लो भगवान से प्रार्थना करो कि हे प्रभु हमारे कार्य में यदि किसी प्रकार से कमियां टूटियां हुआ तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी है श्री चरणारविंद में प्रार्थना करते हैं। ओम हरि ओम आकाश सप्तीतम तेव यदागच्छितम सागरनम स्वरदेव नमस्कारनम केशवा प्रतिगच्छति मूकम करोति वाचालम पंगुम नन्दयते गिरनम यद कृपातमा वंदे परमानंद माधवम पापो वाहम पापी कर्मा पापे आत्मा पाप संभव त्राहि माम पुंडरीकाक्षु सर्वो पापो हरो भवः। ओम आवनम ना जानामि विसर्जनम पूजा चैवा ना जानामि क्षमवस्य परमेश्वरम सब कुछ दीना यापने भेंट करूं क्या नाथ नमस्कार का भेंट लूं जोड़ू मैं दोनों हाथ। धन्यवाद देवियों सज्जनों माताओं बहनों और बच्चों आपके ही समक्ष में जो मंगल टीका का कार्य है वो संपन्न हुआ। हमारे समक्ष में उदय नारायण देव जी है उनसे मैं आग्रह करूंगा टीका फल के विषय में आकर दो चार शब्द कहें। श्रीमान उदय नारायण देव आओ मामा जी। आदरणीय आज के विशेष हमारे होने वाले दूल्हे राजा बरक पक्ष के जितने भी यानी कि आज के घराती जो हैं उनको हमारे कन्या पक्ष से आए हुए हमारे जितने भी संबंधीगण हैं दोनों ओर से सभी को जय श्री सीताराम। अभी हम लोगों ने देखा हमारे विप्र जी वेद रीति कुल रीति और लोक रीति के अनुकूल में आज का टीकादान समारोह को संपन्न किया और जबकि आज विशेषता मेरे यहाँ पर आगमन कन्या पक्ष की ओर से हुआ है यद्यपि दूल्हे के ओर से भी रिश्तेदारी बहुत घनिष्ठ है फिर भी चलो दुल्हन मेरे जीजाश्री जगदीश पांडे जी के सुपुत्री हैं और इधर बड़े जीजा जी पंडित रजनीश पांडे जी जो कि फिजी से पधारे हुए हैं विशेषता इस विवाह संस्कार के प्रति और सूबा इलाके में तो ऐसा बहुत कम व्यक्ति होंगे जो पंडित जी को पहचानते नहीं होंगे तो पंडित जी का परिचय क्या दूं इनको तो सभी भलीभांति जानते ही हैं और जब से इन्होंने मेरे ख्याल से 1989 में लंबासा से सूबा आए और उन दिनों से हमारा इनका घनिष्ठ संबंध रहा और हमारे घर में भी पूजा पाठ कराते थे
मेरे बड़ी बेटी का विवाह संस्कार पंडित जी ही ने अपने सुंदर मंत्रों और उच्चारण द्वारा किया था और आज हम उनके ओर से यहाँ पर उपस्थित हैं। उनका आशीष लेकर जो कुछ मुझ में ज्ञान है उसके ऊपर थोड़ी सी बोलूंगा और विप्र जी भी इधर जाने पहचाने हैं अपने हमारे मामा भांजा का रिश्तेदारी बहुत पुरानी है तो सभी तो यहाँ जानकार हैं जानने वाले हैं और सब क्या बताऊं कि मामा जी यहाँ बैठे हुए हैं दूल्हे के आजा जी और इनके जो दाजी थे हमारे नाना जी वो थाईलेबू के बहुत ही जाने माने सज्जन थे और बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे। उनके साथ बैठना बहुत आनंद लगता था। तो चलते हैं विशेष विषय पर, आज थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तिलक का पौराणिक जो विचारधारा है कि अक्सर लोग बहुत जो टीका दान का समारोह है इस समारोह पर नारियल पर बहुत विशेष जोर दिया जाता है, लेकिन मैं इससे कुछ अलग अपना विचार व्यक्त करता हूँ कि टीका दान जबकि हमारे पौराणिक संस्था सामाजिक कार्य जब होती थी तो करीब दो हफ्ते या एक पाक पहले दोनों परिवार फिर से मिलते थे और उस समय कुछ भेंट इत्यादि लाते थे और यही निवेदन करते कि दूल्हे के पिताजी आप अपने समाज सहित और बारात सजाकर बाजे गाजे के साथ में अमुक दिन पर अमुक समय और अमुक स्थान पर आप आइएगा और हमारे कन्या का साथ में अपने बेटे का शुभ विवाह संस्कार कराएं। और यही विशेष कारण देखा गया है और यही कारण लेकर जो सामान उसके साथ में फिर जुटता गया वो अलग बात है, लेकिन विशेष यही बात निकलती है कि हम सब परिवारजन आज जैसे यहाँ पर परस्पर बैठे हुए हैं और अपने यहाँ पर देखते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति तो है नहीं जो जानकार नहीं है। तो इसके बारे में विशेष विशेष बातें बहुत हुई है, लेकिन मैं निचोड़ कर इसका सारांश में बोला हुआ हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ यहाँ पर बहुत ही वक्ता हैं। मेरे ख्याल से दूल्हे के साइज से भी कोई बोलेगा जरूर, तो यहीं पर मैं अपने वक्तव्य का आराम समाप्त कर रहा हूं और यही वक्तव्य को समाप्त करने से पहले कि हम कन्या पक्ष के लोग और आप घर वालों से यही निवेदन करते हैं कि शायद हमारे ओर से कुछ त्रुटियां हो तो आप बड़े जानकर हमें क्षमा करेंगे और जबकि अब हमारा संबंध एक स्टेप और आगे हो गया है और निकट हम परिवार बन रहे हैं, दो से एक परिवार, अब हमारा दुख सुख आपका है, आपका दुख सुख हमारा है, तो ऐसा कुछ तो होगा ही नहीं कि हम यहाँ से कुछ गलानी करके जाएं, तो आप हमें भी ऐसे ही अपने साथ साथी जानकर अपने परिवार जानकर अपने आप को समेट लेवें, हम सब एक साथ ऐसे ही परस्पर मिलते रहें। सभी को जय श्री सीताराम। पवन लेखा जी, मैं उनको भी आग्रह करूंगा कि वो आकर दो चार शब्द। धन्यवाद पंडित जी। सबसे पहले तो मैं ये बात बता दूं कि मैं आप जैसे विद्वानों जैसी और उतनी रिलीजियस भी नहीं हूँ, लेकिन विभिन्न रिलीजियन के बारे में मुझे पता लगाना बहुत अच्छा लगता है।
तो हमारा इतना ये जो हिंदू रिलीजन है जिसमें मैं बोर्न हुई हूँ, ये इतना विस्तृत है और इतने विशाल देश से आया है कि इसको जितना मैं जितना हम और आप अध्ययन करें, रिसर्च करें, उतना ही आप उसमें डूबते चले जाएंगे। मैं बैठी बैठी फ़ोन पर अभी ढूंढ रही थी कि तिलक का असली अर्थ क्या है, मतलब क्या है। तो इंडिया ठहरा इतना बड़ा देश, साउथ से लेकर के जम्मू से लेकर के कश्मीर तक के जहाँ जहाँ कहाँ कहाँ तिलक कैसे और क्यों मनाया जाता, वो सारी बातें उसमें लिखी हुई थी। तो अब मैं उसमें इसे क्या बताऊँ, मोटे मोटे तौर पर यही होता है कि ये जिम्मेदारी आज के दिन लड़कों के लिए ज़्यादा होती है, लड़कों वर पक्ष के लिए ज़्यादा होती है, क्योंकि कन्या पक्ष के लोग आज अपनी तरफ से ये बात लेकर आए हैं कि आज से तुम्हारा बेटा ये वादा कर रहा है कि इससे आगे वो हमारी बेटी की देखरेख करेगा और उसके साथ में ज़िंदगी बिताएगा। और यही आज यही से आज से सेलिब्रेशन शुरू होती है। छोटे छोटे तौर पर ये छोटे छोटे गाँव में मनाया जाता था तिलक का समारोह, लेकिन वक्त के साथ साथ में ये बड़ा होता चला गया, जिसमें पूजा के साथ साथ में सेलिब्रेशन, नाच गाने, अच्छे कपड़े सब जुड़ते चले गए। तो यही आज तिलक का महत्व है, लेकिन उस एसेंस को लोग आज भी जिंदा रखे हुए हैं, यही सबसे बड़ी बात है। तो शिवनील के ऊपर आज से जिम्मेदारी एक तो रानिया की ऑफिशियली बढ़ रही है, अपने पेरेंट्स के लिए बढ़ रही है कि उनको ये देखना है कि कितने धूमधाम से उन्होंने आज अपने आंगन में ये मंडप सजाया है। और हम लोग हिंदू बोर्न हुए हैं तो हम लोगों के अंदर ये अभिलाषा होती है, आशा होती है, चाहे कितने भी मॉडर्न हम क्यों नहीं हो जाए, कि आंगन में एक बार ऐसा मंडप सजे अगर बच्चे घर में हैं। और कोई भी बड़ा कितना बड़ा बर्थडे कुछ भी आप कर लो, शादी के मंडप की बात ही अलग होती है। और उसी में अगर आंटी जैसी लोकप्रिय गायिका हो, जब तक वो ढोलक ताल और गायकी की गूंज लोकगीत की नहीं हो, हमें लगता ही नहीं है। तो इसका मतलब अर्थ यही होता है कि आस पड़ोस के लोगों को ये बताया जाता है कि भाई किसी ऐसे नॉइस कंट्रोल को ना बुला लेना, हम आपको गा बजा के बता रहे हैं कि यहाँ से आज से सेलिब्रेशन की शुरुआत हो रही है। तो आज हमारे लिए भी खुशी की बात है, अशोक भैया और साथ में शांता बहनी के लिए एक बहुत खुशी का दिन है। हम लोग भी बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं, बहुत विशाल परिवार आया हुआ है पीजी आइलैंड से, कुछ आ गए हैं मेरे ख्याल से, कुछ अभी रास्ते में है, आ रहे हैं। तो आज तो शुरुआत हुई है, नाच गाने बजाने सब चलेंगे। थैंक यू अशोक भैया सबको निमंत्रित करने के लिए और एक मौका देने के लिए, एक सेलिब्रेशन के लिए, सबको अच्छे अच्छे कपड़े जो रोड्रोम में बंद थे निकालने का मौका सबको मिला है। शादी तो एक बहाना है खूब को सजने संवरने के लिए। और मेरी छोटी बहन जीनी, वो भी इस घर की एक बहू है, तो वर पक्ष के लोगों को हम ये बताना चाहते हैं कि इस घर में लड़कियों की देखभाल अच्छी तरह से की जाती है। तो आपकी बेटी समधि जी बहुत ही खुश रहेगी यहाँ पर, और न्यूजीलैंड के हक के मुताबिक, यहाँ के रेगुलेशन के मुताबिक उसको पूरा हक मिलेगा और वो यहाँ पर सुखी और खुश रहेगी। तो बस यही मुझे कहना है, आप आज के दिन से ही खुशी की शुरुआत हो रही है। सब जितने जितने लोगों को आज यहाँ पर इस आंगन में न्योता मिला है, कल के लिए भी आपको निमंत्रण है, आना खाना बजाना और जाते वक्त होने वाली नव दंपति को बहुत सारा आशीर्वाद देते जाना। थैंक यू, धन्यवाद भवन रेखा जी। और हमारे समक्ष में एक व्यक्ति और है जिनको मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ, संजय शरण मिश्रा जी, उनको मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ, वो भी आए। और दो चार हमारे आए हुए सभी विप्रगण, मैं सभी के चरणों में प्रथम प्रणाम करता हूँ। और प्रिय महान भाव सज्जनों, मैं आप सभी को गृह मालिक के भाई अशोक जी की ओर से और श्रीमान श्रीमती अशोक जी के सभी परिवारगणों की ओर से, सभी आए हुए मेहमानगणों को हृदय से स्वागत कर रहा हूँ, सम्मान दे रहा हूँ, धन्यवाद दे रहा हूँ समय को निकाल कर, जबकि आज और टीकादान की जो कार्रवाई है उसको पूर्ण करने के लिए अपना शुक्र अर्पण किए हैं। हमारे आए हुए जो वक्ताओं ने बड़ी प्रकार आप सभी को समझाया है टीकादान का क्या लक्ष्य है, इसको कैसे हम करते हैं, हमारे संस्कार के मुताबिक कैसे 8 प्रकार के विवाह संस्कार बताई गई है,
और जिसके अंतर्गत ये जो प्रजापति विवाह है प्रिय महान भाव सज्जनों, ये प्रजापति विवाह चार चरणों से सुसज्जित है। और ये चार चरण क्या है? ये चार जो चरण है, प्रथम चरण जो है ये टीकादान है, बतलाया गया है प्रजापति विवाह के अंतर्गत। दूसरा जो चरण है द्वार पूजा, दूसरा चरण जो है वो मंत्री पूजा है, तीसरा चरण द्वार पूजा, अंतिम जो विवाह संस्कार है। ये चार चरणों से प्रजापति जो विवाह है सुसज्जित है। और जैसे हमारे अन्य वक्ताओं ने बतलाया है टीकादान क्यों प्रथम होता है, इसलिए प्रथम होता है कि जो दुल्हे राजा है उसको कन्या की ओर से जो उसका भाई आकर निमंत्रण देता है कि फलाना तारीख फलाना दिन और फलाना समय मैं तुम्हें ये निमंत्रण देता हूँ आकर मेरी बहन के साथ और अपना शुभ विवाह करें। इसका यही एक विशेषता है टीकादान का। वैसे तो हमारे आदर वक्ता ने बतलाया है कि श्रीफल उसमें ऐसा महान दान बतलाया गया है, श्रीफल भी आता है। और श्रीफल देवी फल है प्रिय महान वासुदेव, तो आप सभी जानते हैं सभी पूजन में आती है, काम लगती है। श्रीफल में अगर ऊपर से देखते हैं तो कई सूत्रों के धागों से बंधा हुआ उसके अंदर, और सबसे अंदर इतना सुंदर निर्मल जल होता है। और जो कई सूत्रों हैं प्रिय महान भाव सज्जनों, यही संबोधित करता है जितने भी घराती लोग हैं, जितने भी बराती लोग हैं, आए मेहमान गण जितने भी लोग हैं, इस प्रकार से दृढ़ रहे। कई सूत्रों से भगा हुआ ये जो नारियल का फल है, जो श्री फल है, इतना दृढ़ है कि बिना उसे जब अलग करते हैं, जब छीलते हैं, उसको बहुत दिक्कत से दूर होता है। ये जो संबंधीगण है, ये जो मित्र है, ये जो भाव है, ऐसा ही होना चाहिए, यही संबोधित करता है। इसके और अनेक विशेषता है प्रिय महान भाव सज्जनों, बहुत बहुत लोग बहुत बहुत विद्वानों ने इसे अपने अपने बुद्धि के अनुसार बतलाया है, और ये तो कोई नया चीज नहीं है जो आप सभी जानते नहीं। एक बार फिर से मैं बड़े भाई श्री जी को आदि प्रणाम करता हूँ, और भाई अशोक जी की ओर से आप सभी गृह मालिक आखिर मेहमानगणों को और गृह परिवार को सभी को हृदय से स्वागत करता हूँ। आए मेहमानगणों को लिए सभी कुछ का प्रबंध यहाँ पर हुआ है, प्रिय भान और नमना पानी का, भोजन इत्यादि का प्रबंध है। आप सभी अपना ही घर समझकर इसे ग्रहण करें, सेवा स्वीकार करें, और अपना ही बनकर आज यहाँ से जब जाएं तो अपना ही बनकर यहाँ से जाएं। आते हैं प्रिय महानुभाव सूचना सभी को आने के लिए, शुभ समापन करने के लिए और इस पूजन की शोभा बढ़ाने के लिए भाई श्री आदरणीय पंडित जी, ये भी हमारे निकट परिवार हैं, अनेक धन्यवाद दे रहे हैं सब प्रकार से आपकी पूजा किया। और अंत में आप सभी को प्रिय महान भाव सचना जय श्री सीताराम सभी को धन्यवाद। धन्यवाद। और अंत में मैं बुलाना चाहता हूँ जो कन्या पक्ष के कन्या के बड़े पिता यानी दादा। धन्यवाद आचार्य जी। आदरणीय पुष्प महान भाव माताओं बच्चों तथा भद्र पुरुषों, खुशी की बात है आज जबकि वक्ताओं ने कह चुके हैं, पवन बहुत सुंदर से कहा आपने कि क्या कुछ है विवाह संस्कार की पहली सीढ़ी जो तय किया गया है। आज गृह मालिक मालकिन श्रीमान तथा श्रीमती समधी भाई हमारे मुख्य रूप से धन्यवाद के पात्र हैं, लेकिन उससे पहले धन्यवाद दूंगा उनके माता पिता जो कि आज अपने संतान गुणों के ऐसी राह पर ला रहे हैं और राह पर ला चुके हैं कि गृहस्थ तभी मंगल में संपन्न होता है संतान गुणों का जब बड़े को आशीर्वाद साथ में होती है, तब बड़े की कृपा बड़े की आशीर्वाद साथ में होती है तभी गृहस्थ जो जीवन है महान भाव भली भांति रूप से संपन्न होती है। तो विशेष कहना नहीं है, बहुत कुछ हमें भाषण नहीं करना है, लेकिन जरूर इतना कहना चाहूँगा कि हमारे छोटे भैया जगदीश पांडे जी जो परिवारगण हमारे साथ में आए हुए हैं, विशेष हम सभी को आप सबको धन्यवाद दे रहे हैं, आपने हमें साथ दिया,
लेकिन जरूर इतना कहना चाहूँगा नित्या पंडित जी, बहने हैं हमारे, तो महान भाव ये जो विवाह का बंधन है एक प्रेम का बंधन है, प्रीति है। किसी ने कहा है, बोले प्रीति ऐसा कीजिए कि जस मोम और धागा, प्रीति ऐसा कीजिए कि जस मोम और धागा, जैसे कहते हैं प्रीति ऐसा कीजिए कि जस लोटा और डोर, आपन गला फसाई के पानी लावे बोल। प्रेम का बंधन है विवाह संस्कार जो है महान भाव, प्रीति का बंधन है, प्रेम का बंधन है। इसमें प्रेम नहीं रहे तो ये जो रिश्ता है बहुत दिन तक नहीं टिक पाता है। प्रेम की कमी हो जाए तो लव की, तो हम चाहेंगे जी हाँ। किसी ने कहा है, बोले प्रेम ऐसा कीजिए कि जस लोटा और डोर। महान भाव आपने देखा होगा कि 100 फीट कुएं में और पतला सा डोर में लोटा बांध कर छोड़ दिया जाए तो लोटा को ये आसरा है जरूर, ये विश्वास है ये जो पतला सा डोर है हमें ऊपर लाएगा अवश्य, ऐसा प्रेम है उसमें। जैसे प्रीति ऐसा कीजिए जस मोम और धागा, आपने देखा होगा मोम बत्ती जब जलती है कैंडल, थोड़ा ज़्यादा पावर ऑफ हो एलपीजी में, यहाँ नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन जब पावर कट हो जाए तो कैंडल मारे पड़े। तो जब मोम बत्ती जलती है तो आपने देखा होगा कि बीच में जो धागा है वो जलता रहता है, पिघलता रहता है मोम। तो किसी ने एक दिन पूछा मोम से, बोले भैया जल रहा है धागा तो तू क्यों पिघल रहा है यार। तो मोम कहता है कि भैया जिसको अपने दिल में बसाया हूँ उसको जलता नहीं देख सकता हूँ यार, इसलिए आंसू बनकर पिघल रहा हूँ। तो महान भाव विवाह संस्कार जो है ये ऐसा बंधन है, प्रेम का बंधन है। दो परिवार एक सूत्री में आज हम जुटे हुए हैं। समझी भाई धन है आपको, और कन्या के भ्राताश्री हमारे पुत्र जो हैं राजल पांडे जी परिपूर्ण किए हुए, और हम कारज शिवनील बहुत खूब बेटा। यहाँ से आगे हम सब चाहेंगे कि हम सब मिलकर कि इनको ऐसा आशीर्वाद दें ताकि इनका गृहस्थ पग पग पे मंगल में संपन्न होए। अंत में हमारे परिवार जी कह चुके हैं कि शायद हमारी उठक बैठक में कुछ कमी आ जाए तो हम क्षमा चाहते हैं। अंत में हमारी ओर से हमारे परिवार की ओर से सबको जय श्री सीताराम। धन्यवाद मामा श्री आपके चंद शब्दों के लिए जो बड़े मधुर लगे, बड़े सुंदर लगे। जो दो परिवार एक बार संबंध बनाते हैं तो उसको संबंधी कहा जाता है, हमने उसको और सरल कर दिया संबंधी कह दिया। संबंध से संबंधी होते हैं, यानी दो बंदी दो परिवार जो होते हैं एक दूसरे के साथ संबंध जुटाते हैं और वो संबंध को इस प्रकार से चलाते हैं जैसे हमारे पूज्य मामा जी ने कहा है कि प्रेम जिसमें हो और वो जो संबंध है जन्मों जन्मों तक बना रहे। इसीलिए विवाह संस्कार को हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत या हमारे हिंदू धर्म के अंतर्गत में बहुत महत्व माना गया, बहुत महत्व माना जाता है, जिसमें सबसे जो जीवन में सबसे महान दान होता है उसको कन्यादान कहते हैं। और जो पिता अपने घर से अपने बेटी का दान करता है सो उनका जीवन जो है वो मंगलमय हो जाता है। किसी बड़े कवि ने कहा है जिनके हृदय प्रभु नाम बसे तिने और का नाम लिए न लिए, जिन मात पिता की सेवा करी तिन तीर्थ व्रत किया न किया, जिनके घर कन्यादान हुई सो कूप का नीर पिया ना पिया। तो इस प्रकार से यदि आप अपने घर से ऐसे वस्तु को दान करते हो और उसको दान करने से आपको क्या फल प्राप्त होता है वो तो मालिक ही जानते हैं, लेकिन जो उस दान को लेकर जाता है वो बड़ा भाग्यशाली होता है कि मुझको एक ऐसा दान मिला जो आकर मेरे घर पर और मेरे कुल परिवार को देखभाल करके और मेरे परिवारों में और बढ़ंती लाए और उसका कल्याण के लिए उसको मंगल में। देखो ये जो धर्म पत्नियाँ होती हैं बेटियाँ होती है ये अपने घर को छोड़ के दूसरे के घर को बसाना चाहती है, अपना घर पे तो कुछ ही दिन रहती है जब तक
विवाह ना हो तब तक अपने घर पर रहती है, एक बार विवाह होने का बात हो जाए तो उनको अटल विश्वास हो जाता कि मुझको अपना घर बनाना है। अपना घर के माने में कि जब मैं अपने पति के साथ में जाऊंगी तो अपने परिवार को अपने घर को देखूंगी। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो दो परिवार हैं ऐसे ही बच्चों को आशीर्वाद दे ताकि इनका जो परिवार है, इनका जो जीवन है वो सुख एवं मंगलदायिनी हो और हम सभी का आशीर्वाद। तो अंत में सभी को मेरा प्रणाम स्वीकार। चले हम इस को शांति से पूजन को शांति पाठ कर रहे हैं। ओम शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांतिराप शांति सधाया शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्मा शांति सर्वे गुं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ॐ शांति शांति शांति। सर्वरिष्ट शांतिर्भवतु सर्वेषां मंगलं भवतु सर्वेषां शुभं भवतु सर्वेषां सुखिनः भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सुशान्ति भव सर्वमनः। ॐ अस्तुर्मा सद्गमयः तमस्युर्मा ज्योतिर्गमयः मृत्युर्मा अमृतं गमयः। धन्यवाद।
लगी चने उतर रहे हैं सब दिखाई लगी सब लाइन Hello.
सलामे इश्क 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 सलामे इश्क सलामे इश्क 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 सलामे इश्क सलामे इश्क सलामे सलामे इश्क सलामे सलामे इश्क सलामे सलामे इश्क सलामे इश्क 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 सलामे इश्क